लेकिन वो आदमी बोल रहा था कि इसमें और एक आदमी है, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रशासन के लापरवाही से वो इसे ही छोड़ दिया। अच्छा, तो उस दिन खोजने का प्रयास नहीं किया गया था? अब वह लोग ने बताएंगे, हम तो बाद में आए थे ना। अच्छा, तो गाड़ी बाहर निकाला हुआ था, हुआ कि आदमी भाग गया, इतना तो जानकारी है हमको। अच्छा, व्यवस्था पानी उबी छे लगी, लेकिन अच्छा, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं निकाला था? नहीं, कोई नहीं, हेल्प नहीं किया, लापरवाही नहीं। क्या क्या घटना? दूसरा लड़का के बारे में, जो लड़का निकला था वो बता रहा था कि इस गाड़ी में एक और अंदर छपा हुआ है। मैं प्रशासन को खबर कर दिया था, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी जब डेड बॉडी ऊपर आया है तो हंगामा हुआ है कि यह लाश एक और इसमें मिला है। करीब 10 दिन पहले हुआ था हादसा। सड़क किनारे पैन में गिरी थी गाड़ी, गाड़ी सवार का अब पैन में निकला शव। पुलिस ने जेसीबी की मदद से गाड़ी निकाला था, लेकिन गाड़ी सवार का कोई पता नहीं चला था। हादसे के करीब 10 दिन बाद गाड़ी सवार जो लापता था, उसका शव पानी से बाहर निकला। शव देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग जहानाबाद जिला प्रशासन की इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। मामला नगर थाना क्षेत्र के टेनी बीघा मोहल्ले की है, जहां पैन में शव को छहलाता देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव की सूचना मिलते ही वहां भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान परस बीघा थाना क्षेत्र के रंगुआ बीघा गांव निवासी स्वर्गीय कौलेश्वर यादव के बेटे खटला यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि 19 जनवरी के हादसे से इस शव की बरामदगी की सूचना जुड़ी हुई है। 19 जनवरी को एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गया था। आनन फानन में ग्रामीणों ने पानी भरे गड्ढे से गाड़ी का शीशा तोड़कर एक युवक को बाहर निकाला था, जबकि बाहर आया युवक ये बताता रहा कि उसका एक और साथी गाड़ी में सवार था, पर उसका कोई अता पता नहीं चला। प्रशासन जब घटनास्थल पर 19 तारीख को पहुंची तो पोकलेन मशीन की मदद से पानी भरे गड्ढे से गाड़ी को तो निकाला गया, लेकिन यही लापरवाही हो गई। युवक के बताने के बाद भी उसके लापता साथी की पैन में तलाश नहीं की गई, नतीजतन वो पैन में ही कीचड़ में फंसा रह गया। नतीजतन आज युवक का शव पैन पर छहलाता देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से पानी भरे पैन से गाड़ी निकालने के बाद एक शख्स चुपके से फरार हो गया था, जिसे ग्रामीणों ने बचाया था। ग्रामीणों की मदद से उस समय आंशिक तौर पर छानबीन भी की गई थी कि आखिर वो दूसरा व्यक्ति कहाँ गया, जिसके बारे में गाड़ी सवार एक अन्य व्यक्ति बता रहा था। उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि जिस समय गाड़ी को दुर्घटना के बाद निकाला गया था, उस समय प्रशासन ने आसपास के इलाके की छानबीन नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। भागे हुए युवक की निशानदेही पर अगर प्रशासनिक अमला तत्परता से कार्य करती तो दुर्घटना के बाद कीचड़ में फंसे इस युवक को भी तभी निकाला जा सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि युवक की खोजबीन नहीं की गई। लिया का तो यह गुहा तो कुछ व्यवस्था नहीं है इसमें। अच्छा, झगड़ निकालिए का तो लगता है, चाहे कोई व्यवस्था पानी उबी छे लगी, लेकिन प्रशासन के लोग नहीं निकाला था? नहीं, कोई नहीं, हेल्प नहीं किया। तो क्या लगता है, लापरवाही है? लापरवाही ना हुआ, सरकार के लापरवाही नहीं है, लापरवाही है, लापरवाही नहीं है। क्या क्या घटना घटी थी यहाँ पे, क्या हुआ था? गाड़ी उलट गया था, स्कॉर्पियो था। अच्छा, उसमें से एक आदमी के निकाला गया। हाँ, एक आदमी निकल गया। हाँ, एक फोर फार के शीशा निकाले। अच्छा, दूसरा? और दूसरा अब पाते न चला, पाते नहीं चला, लेकिन तो भाग गया, भाग गया। हाँ, लेकिन प्रशासन के लोग फिर कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं किया, खाली अगोरे। हाँ, रात भर अगोरे वहाँ ईंटा जोड़िया के। अच्छा,
मगर कुछ किया नहीं, माने तो लापरवाही है, लापरवाही ना है। इतना गबरा खाद दिया है कि लग रहा है कि नाला के नाला बन गया। अच्छा, एक सप्ताह पहले एक टाटा सफारी गाड़ी इस मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था, उसमें जनता के द्वारा एक लड़का को निकाला गया था और दूसरा लड़का के बारे में जो लड़का निकला था वो बता रहा था कि इस गाड़ी में एक और अंदर छपा हुआ है। मैं प्रशासन को खबर कर दिया था, इंस्पेक्टर साहब को, सीओ साहब को, एसडीओ साहब को, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी जब डेड बॉडी ऊपर आया है तो हंगामा हुआ है कि यह लाश एक और इसमें मिला है, एक डेड बॉडी है। तो इस तरह से प्रशासन द्वारा ये लापरवाही पूरी तरह अपनाया गया है। इसको गोताखोर बुला के हम लोग मांग किए थे कि इसको कल होकर निकाला जाए, लाश इसमें है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह विफल रहा इस डेड बॉडी को खोजने में। आई सरासर गलत है और इस मामला पर मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी और एसपी साहब से मांग करता हूं, जो दोषी हैं उसको जांच कर उस पर कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके। प्रशासन को मैं वार्ड पार्षद के हैसियत से बताया, पब्लिक यहां बोले कि एक लाश इसमें और एक बॉडी और है जो जपा हुआ है, छप गया है, पानी के अंदर है, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन के अंदर में भी कार्रवाई नहीं की गई। यह घोर लापरवाही और मैंने चिंता का विषय है समाज, मोहल्ला ट्रेनी विघा की घटना है। हालांकि पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी 18 जनवरी को पटना से चोरी हुई थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मृतक भी चोरी की घटना में शामिल रहा था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। एक ही से उधर से गाड़ी आया और उसमें 2 आदमी सवार थे और आगे आया तो पलटी मार दिया पैन के अंदर। तो उस दिन गांव वाले लोग ने शीशा तोड़ करके, दरवाजा तोड़ करके और एक आदमी को निकाला, लेकिन वो आदमी बोल रहा था कि इसमें और एक आदमी है, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रशासन के लापरवाही से वो ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा, और ये वो रह गया वैसे ही। बाकी अपना आज क्या हुआ? आज हुआ कि से आज लाश पानी में तैर रहा है। लोग, जनता जुट गया तो लोग सब देख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये बताइए कि कब की घटना है ये? आज एक हफ्ता हो ही गया। एक हफ्ता पहले हुआ? हाँ, एक हफ्ता पहले की बात है। लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया, ये प्रशासन के लापरवाही से आज लाश तैर रहा है। क्या मामला, क्या हुआ? मामला तो हमको सूचना मिला तो हम आए हैं तो देखे कि वो पानी में छलाया हुआ। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ, कोई जानकारी मिली है? जानकारी तो पूर्व में अथी हुआ था। क्या वो गाड़ी उल्टे ले? हाँ, तो उस दिन तो गाड़ी निकला, आदमी भाग गया था, उसके बाद तो कोई मालूम नहीं। तो लोग कह रहा है कि एक आदमी को भी सूचना दिया गया था कि पानी के अंदर है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई? तो उस दिन तो हम बाद में आए थे ना। हाँ, सब प्रक्रिया हो गया था, हम बाद में। अच्छा, तो उस दिन खोजने का प्रयास नहीं किया गया था? अब वह लोग ना बताएंगे, हम तो बाद में आए थे ना। अच्छा, तो बाद में आए थे, क्या देख रहे थे? गाड़ी बाहर निकाला हुआ था कि आदमी भाग गया, इतना जानकारी है हमको। अच्छा, तो लोग ही नहीं बताया कि एक आदमी और है इसमें अंदर? ना, तो हम तो फिर चले गए थे ना। अच्छा, तो आज क्या देखे? आज तो देखने में लग रहा है कि पानी में एक आदमी छलाया हुआ है।